बुद्ध से कबीर तक ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में MSI इंटर कॉलेज के प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में बुद्ध से कबीर तक ट्रस्ट के संस्थापक गुजरात के पूर्व DGP डॉक्टर VK मल ने बताया कि बुद्ध से कबीर तक यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, जो MSI इंटर कॉलेज से शुरू हो रहा है। लोगों को सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से बुद्ध से कबीर तक की यात्रा का संदेश दिया जा रहा है, जो कि लोगों को सामाजिक एकता, भाईचारे की भावना, सांझी विरासत की बात बताया जा रहा है। हम लोग लोगों में आपसी भाईचारा व हिंदुस्तान की एकता के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान कई जाति धर्म का देश है, जिसमें हर भाषा व हर धर्म के लोग निवास करते हैं। आज के समय में हम लोग सांप्रदायिकता से जूझ रहे हैं। बुद्ध से कबीर तक की यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच में नफरत को कम किया जा रहा है और आपसी भाईचारा को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बुद्ध से कबीर तक ट्रस्ट के संस्थापक गुजरात के पूर्व DGP VK मल ने कहा, दो तीन सदस्य यहां पर आए, एच के IPS हैं, गुजरात कैडर में आपने काम किया है और पुलिस विभाग का जो सर्वोच्च पद है उसको DGP का उसको उन्होंने सुशोभित किया है। निश्चित रूप से ये 30 वर्ष का जो पुलिस सेवा में आपका सफर रहा होगा, आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि हिंसा, नफरत और उसी के बीच में कहीं पुष्पित और पल्लवित होती हुई अहिंसा की भावना, प्रेम की भावना, इन दोनों का साथ साथ चलना आपसे बेहतर कोई दूसरा महसूस नहीं कर सकता है। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि उसी से प्रेरित होकर आपने बुद्ध और कबीर को चुना और बुद्ध और कबीर तक की का जो ये ट्रस्ट आपने बनाया है, निश्चित रूप से आपका जो सपना है भारत को जोड़ने का, भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का, जिसकी शुरुआत आपने अपने गृह प्रदेश से शुरू की है, मेरा ये विश्वास है कि ये पूरे देश में फैलेगी। Yeah.
बुद्ध से कबीर तक का कार्यक्रम का शुरुआती दिन है जो MSI कॉलेज से शुरू हो रहा है और बड़ी तादाद में बच्चे और इस कॉलेज के लोग यहां पे उपस्थित हैं। सांस्कृतिक माध्यमों से बुद्ध से कबीर तक का संदेश दिया जा रहा है जो सामाजिक एकता, विविधता, भाईचारे की भावना, साझी विरासत की बात, ये सारी बातें हम करते रहेंगे और हिंदुस्तान की एकता के लिए हम काम करते रहेंगे। देखिए, हिंदुस्तान एक विविधताओं का देश रहा है, हिंदुस्तान एक प्लूरल देश रहा है और इस विविधताओं को हम सेलिब्रेट करते हैं। एक हर किसी का सर्वधर्म संभाव का देश रहा है, हम विविधताओं की इज्जत करते हैं और विविधताओं को खूबसूरत बनाते हैं। और आज की तारीख में जब हम एक जूझ रहे हैं एक सांप्रदायिक और सामाजिक ध्रुवीकरण से, ऐसे में बुद्ध से कबीर तक का जो संदेश है बड़ा प्रासंगिक हो जाता है कि हम नफरत को कम करें, आक्रामकता को समाज से कम करें और एक संवाद की प्रक्रिया समाज में हो। मतभेद स्वाभाविक है किसी भी समाज में, मतभेद को संवाद के माध्यम से दूर करने की कोशिश करें और इस संवाद की प्रक्रिया में हमारे जो महापुरुष हुए हैं बुद्ध, कबीर, गांधी, विवेकानंद, ऐसे लोगों को साथ में लेकर के उनकी प्रेरणा से हम एक सामाजिक एकता को हम फलीभूत करने की कोशिश करें।